नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान हेल्पर 2 के 2412 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और आप सभी बस इसी चिंता में कि कट ऑफ क्या रहेगी, कितना फ़ायदा होगा। जैसा कि ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है और LDC का रिजल्ट भी आ चुका है, तो क्या इससे कट ऑफ का स्तर डाउन होगा या सेम रहेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। परंतु दोस्तों, जो विद्यार्थी नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस रेड कलर के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम इस चैनल पर राजस्थान से जुड़ी प्रत्येक एग्जाम की खबर आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि यह भर्ती राजस्थान सरकार की ओर से है और ज़्यादातर अभ्यर्थी भी राजस्थान के ही हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो 26,000 टीचरों की ज्वाइनिंग है, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ज्वाइनिंग दी जा चुकी है और साथ ही LDC का रिजल्ट भी आ चुका है और ग्रुप डी का रिजल्ट भी आ चुका है। अब बस फिजिकल होना बाकी है और फिजिकल के बाद सिलेक्शन तो होना ही है। यदि दोस्तों LDC के साथ GVBNL हेल्पर और लोको पायलट का रिजल्ट भी आ जाता है, और यदि आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है तो आप सबको फ़ायदा ही है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और दोस्तों, LDC के रिजल्ट से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा LDC में क्या है, मार्क्स आए हैं। कल इसका जब एनालिसिस किया गया तो पाया उसी बंदे के अच्छे मार्क्स है, मतलब 75-80 मार्क्स हैं जिनका LDC में सिलेक्शन हुआ है। LDC में जो पास हो चुके हैं उन्हीं के हेल्पर में भी अच्छे नंबर आए हैं। तो दोस्तों, उन विद्यार्थियों से निवेदन है जिनके LDC में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं और जिनकी टाइपिंग भी अच्छी है, वे विद्यार्थी कृपया GVBNL हेल्पर 2 की सीटें ख़राब ना करें। क्योंकि मित्रों, एक तो वैसे ही भर्ती है बहुत कम निकलती हैं, इसलिए एक से ज़्यादा भर्ती पर सीट लेकर किसी दूसरे भर्ती की सीट ख़राब ना करें। यदि आप एक भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं तो दूसरी ख़राब ना करके दोस्तों आप किसी का फ्यूचर सेव कर रहे हैं। किसी कोई बंदा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, उसकी फैमिली का भी फ्यूचर आप सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी में पास हो चुके हैं तो दोस्तों ग्रुप डी का जो फिजिकल है बहुत ही नॉर्मल सा होता है और ज़्यादातर विद्यार्थी से पास कर लेते हैं। और दोस्तों, यदि आप में से कोई भी GVBNL हेल्पर 2 में भी शामिल है तो दोस्तों आप सभी के लिए अच्छी बात यह है कि LDC का रिजल्ट आने से कट ऑफ LDC का रिजल्ट आ गया, ग्रुप डी का भी आ गया, इस वजह से जो फिजिकल का स्तर है वो थोड़ा कम ही रहेगा, ठीक है। और दोस्तों, मैंने जो कट ऑफ बताई है, कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ इतनी जाए, कट ऑफ कम ही जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों का सिलेक्शन हो पाए। और दोस्तों, आपको पता है कि कट ऑफ लोग उतनी रहने की उम्मीद है जितना मैं बताया था, और कट ऑफ का वीडियो भी बना दिया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे चैनल पर भी वह कट ऑफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। इसका रिजल्ट मार्च के दूसरे वीक यानी कि 15 मार्च तक आने की उम्मीद है। जो रिजल्ट है वो मार्च के दूसरे वीक में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन आप लोगों से, जो लोग डिस्कॉम से बात करके आए हैं, उन लोगों से अंदर ही अंदर खबर आई है कि भाई 15 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। और देख भी सकते हैं, चुनाव करीब हैं, इससे सरकार रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। जैसा कि LDC का रिजल्ट डेट 15 तारीख दी गई थी, परंतु जो रिजल्ट है वो नियत तिथि से 7 दिन पहले ही घोषित कर दिया गया। और ऐसे ही GVBNL हेल्पर 2 का रिजल्ट है, उसकी डेट 15 मार्च बता रहे हैं, देखते हैं कि उसका रिजल्ट कब तक आता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जिनका भी LDC ग्रुप डी में हो गया है और उन्होंने हेल्पर 2 में भी अप्लाई किया है, तो उनसे विनती है कि हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो रेलवे के ग्रुप डी में आपके कितने नंबर आए हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपका राजस्थान का चैनल है। यहाँ हम राजस्थान के भर्ती से जुड़ी प्रत्येक खबर आपके लिए लेकर आते हैं। हम कट ऑफ, मार्क, कोर्ट केस, जो भी किसी भर्ती के बारे में लेटेस्ट में चल रहा है वो सारी खबरें आपको बताते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।